लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर इंदौर पुलिस ने बदमाशों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में भवरकुआ पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 6 बुलेट सहित कुल 10 गाड़ी जब्त की है, जो उन्होंने इंदौर के अलग अलग थाने क्षेत्रों से चुराई थी। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश डिमांड पर महंगी गाड़ियों को चुराकर अपना नशे का शौक पूरा करते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है, जिससे वाहन चोरी की अन्य घटनाओं का खुलासा हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे वाहन चोरों पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे, और विशेष रूप से जो महंगी गाड़ियां हैं उनको मद्देनजर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में जब भवरकुआ क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी, वाहन चेकिंग की जा रही थी, तो उस दौरान एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल मिली, बुलेट मिली, जिसके जो व्यक्ति चला रहा था उससे जब उसके संबंध पूछताछ की गई तो जो संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। जब सख्ती से उससे पूछताछ की गई और उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम प्रभु पिता सुखदेव सिंह भाटी, उम्र 24 साल, निवासी राजस्थान, जो हाल मुकाम जो है आरजे कैफे सर्वानंद नगर में रहता है, उसने अपना पता बताया। और उसने अपने एक साथी का नाम बताया कपिल सोनी, जिसको वो मोटरसाइकिल जो है चुरा कर बेचता था। और इसी का एक अन्य साथी भी है पवन, जो कि फिलहाल में फरार है 2 बुलेट के साथ। अभी इन दोनों आरोपियों से हमें अभी तक जो है 10 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं, जिसमें 6 बुलेट, 3 पल्सर और 1 एक्टिवा है, जिनकी कुल मसरूफ कीमत जो है 18 लाख के लगभग।